हेलो एवरीवन तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डोटेरा एसेंशियल ऑयल्स के बारे में लेकिन डोटेरा ने एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ निकाली है विच इज़ अ फैमिली एसेंशियल किट ठीक है इस फैमिली एसेंशियल किट में 10 ऑयल्स इन्होंने निकाले हैं जो 10 ऑयल्स आपको और आपकी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखेंगे हर एक चीज़ से रिलेट करते हुए निकाले हैं मतलब ऐसी कोई चीज़ उन्होंने नहीं छोड़ी है जो इस किट में उन्होंने ना डाली हो ठीक है और इसकी कॉस्ट भी उन्होंने बहुत कम रखी हुई है तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं कौन सा एसेंशियल ऑयल लूँ या फिर कोई एक पर्टिकुलर आपको ऑयल लेना है वो आपको बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इसकी अमाउंट uh, है तो आप ये किट जो है ये किट ले सकते हैं बिकॉज़ ये किट में अब मैं इसके बेनिफिट्स आपको बताती हूँ ये पूरी की पूरी ये एक प्रॉपर मतलब जिसको कहते हैं ना एक हेल्दी स्टार्ट है ये हेल्दी स्टार्ट किट है आपके लिए इसमें आपके इम्यून सिस्टम के रिलेटेड आपको कोई भी पेट की प्रॉब्लम किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है आ, पेट से रिलेटेड लेवर से रिलेटेड उसके लिए ऑयल इन्होंने डाले हुए हैं ठीक है क्लेंजिंग करनी है घर की नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा घर में आ गई है उसके लिए भी ऑयल है मूड स्विंग्स आपको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इमोशन इम्बेलेंस हो रहा है उसके लिए भी इसमें ऑयल है प्योरीफाई करना है घर का और कि क्योंकि हमें खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है ऐसे कोरोना के पीरियड में तो प्योरीफाइंग तो ज़रूरी है ना तो घर का और प्योरीफाई करना है उसके लिए भी ऑयल है बाई चांस किसी को कोल्ड कफ हो जाता है सर्दियों की वजह से तो उसके लिए भी इसमें ऑयल है और अगर किसी को नींद नहीं आती है नींद की प्रॉब्लम है या फिर बच्चों में कुछ नींद की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी इसमें ऑयल है तो अब मैं धीरे धीरे आपको बताती हूँ कि कौन से कौन से ऑयल्स हैं जो इन्होंने इस पूरी की पूरी किट में इंक्लूड करें ठीक है और अगेन यूजेस तो आपको पता ही यहाँ आप एरोमेटिक यूज़ कर सकते हो स्किन पे लगा सकते हो टॉपिकल यूज़ कर सकते हो और उसको इंजेस्ट भी कर सकते हो ठीक है तो अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो सबसे पहला ऑयल इन्होंने इसमें डाला है उसका नाम है जेनजेस्ट ठीक है दैट इज़ आपका जो भी स्टमक के रिलेटेड प्रॉब्लम है लिवर के रिलेटेड प्रॉब्लम है सारी प्रॉब्लम्स का एक ही उपाय है वो है ये जेंजेस्ट ठीक है इसको चाहे आप इसके तीन चार ड्रॉप डालकर पी लो इसको टॉपिकली अपने सोलर चक्रा पे लगा के रात को सो जाओ या फिर इसको डिफ्यूज़र में डाल के यूज़ कर लो जैसे मर्जी कर लो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव ऑयल है किसी भी टाइप की पेट की प्रॉब्लम्स के लिए ठीक है दूसरा जो ऑयल इन्होंने इसमें डाला है वो है औरिगैनो ठीक है औरिगैनो ऑयल आप आ, इसको इंजेस्ट कर सकते हो इसको टॉपिकली भी यूज़ कर सकते हो एरोमेटिकली ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते लोग इसको बट आपकी मर्जी है तो ये जो ऑयल है पर्टिकुलरली ये है आपका इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए इस टाइम पे हम लोगों को इम्यूनिटी की बहुत ज़रूरत होती है हमारी कुछ गलत खा लिया है तो उसकी वजह से पेट खराब हो गया है तो उसकी इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए आपको ज़रूरी है ठंड में तो वैसे ही इम्यूनिटी की इतनी ज़रूरत होती है तो इम्यूनिटी और डाइजेशन दोनों के लिए ही ये बेस्ट है ऑयल जो इन्होंने इस किट में सेकेंड ऑयल डाला है थर्ड ऑयल जो इसमें डाला हुआ है वो है लेवेंडर ठीक है लेवेंडर हर एक चीज़ आपके लिए कर सकता है आ, सोने की आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है नई नींद आती है रात को या अचानक से जाग खुल जाती है तो इसको आप स्मेल कर सकते हो हर, हर टाइप की जो स्लीप प्रॉब्लम है वो इससे रिजॉल्व हो जाती है स्किन के लिए ये बहुत अच्छा होता है एक बहुत अच्छी ब्राइटनिंग ग्लोइंग सी स्किन हो जाती है सर्दियों में मुरझाई मुरझाई सी स्किन नहीं रहती है बहुत अच्छी ग्लोइंग स्किन हो जाती है लेवेंडर लगाने से दूसरी चीज़ ये आपके इमोशंस को भी कंट्रोल करता है इमोशनल इम्बैलेंस चल रहा है लेवेंडर यूज़ करो हर हाल में इमोशन आपके आ, पूरे आपके कंट्रोल में आ जाएंगे जैसा आप पॉजिटिव इम्पैक्ट अपने इमोशंस में चाहते हो वैसा ठीक है जो चौथा ऑयल है इसमें इन्होंने यूज़ किया है वो है लेमन लेमन हमें वैसे भी पता है कि एक तरह से क्लीनिंग करता है हमारी इंटरनली क्लीनिंग करता है डी है है ना तो ज़्यादा खा लिया है या कुछ गलत खा लिया है तो उसके लिए आपका इंटरनली ख़ुद को आपने क्लीन करना है सिस्टम को क्लीन करना है स्टमक को क्लीन करना है तो उस तरह से उसके लिए आपके पास लेमन है इसमें जो नेक्स्ट एसेंशियल ऑयल है वो है फ्रेंक ठीक है फ्रेंक एसेंशियल ऑयल जो है वो स्पेसिफिकली एक तो स्किन के लिए यूज़ होता है स्किन पे किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स है आप कोई तो हर टाइप की प्रॉब्लम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो फ्रेंक को ठीक है और दूसरी जो फ्रेंक चीज़ करता है इम्यूनिटी भी बिल्ड करता है ठीक है जो हमारी स्किन पे इतनी इश्यूज़ हो जाते हैं आईज़ के नीचे काले गड्ढे पड़ जाते हैं एक्ने वगैरह हो जाता है ये सब क्योंकि इंटरनली उतनी ज़्यादा इम्यूनिटी नहीं है कि फेस पे वो ग्लो आए फेस उतना ज़्यादा ब्राइट नजर आए है ना तो उस वजह से एक्ने वगैरह होता है तो इंटरनल जो एक इम्यूनिटी है उसको बिल्ड करने में फ्रेंक बहुत बड़ी मदद कर सकता है आपकी अगला जो है इसमें वो है पेपमेंट ये है मेरा मोस्ट फेवरेट ठीक है पेपोमेंट हर चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो पेपोमेंट आपको हर टाइप की स्टमक की प्रॉब्लम से रिलीफ दिला सकता है एंजाइटी हो रही है उससे भी रिलीफ दिला सकता है टेंशन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है जॉब में बिजनेस में उससे भी आपको रिलीफ दिलवा सकता है तो पेपोमेंट इज़ ऐसा एसेंशियल ऑयल जो मतलब कह लो कि ये यूज़ कर लिया तो उसके बाद एंजाइटी का तो नामो निशान नहीं रहता कहीं उसके बाद नेक्स्ट जो एसेंशियल ऑयल है इस किट में वो है ऑन गार्ड ऑन गार्ड जैसे इसका नाम ही बता रहा है कि गार्ड करेगा आपको ठीक है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा और अगेन क्लेंजिंग करेगा इस्पेशली बच्चों में अगर आपको क्लेंजिंग करनी है तो आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो ये उनकी प्रोटेक्शन भी करेगा जैसे बाहर खेलने जाने से पहले आप ये उनको लगा के दे सकते हो ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़ ही रहे किसी से कोई कोल्ड या कफ बाई चांस वो ना ले लें ठीक है अगला जो एसेंशियल ऑयल है इसमें वो है ब्रीद ब्रीद जो एसेंशियल ऑयल है वो मैं सबको ऑलमोस्ट रिकमेंड करती हूँ क्योंकि ऐसा ये जो कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है इसमें मतलब ज़रा सा कोल्ड हो जाए तो इंसान डर जाता है ठीक है तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए ब्रीद एसेंशियल ऑयल आपकी ब्रीदिंग में हेल्प करेगा नॉस्ट्रिल्स को ओपन रखेगा बॉडी में प्रॉपर एनर्जी फ्लो रखेगा आपकी बॉडी में क्योंकि अगर दोनों नॉस्ट्रल्स ओपन है तभी बॉडी में एनर्जी फ्लो हो रहा है अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और ब्रीदिंग में हेल्प करेगा बाई चांस किसी को घर में अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम है सर्दियों में जैसे बढ़ जाती है वो तो अगेन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके लिए भी सेकेंड लास्ट डी ब्लू डी ब्लू मैं खुद भी यूज़ करती हूँ डीप ब्लू एसेंशियल ऑयल है पर्टिकुलरली uh, आपको ये एसेंशियल ऑयल हेल्प करेगा अगर कोई भी मसल क्रैम्प्स हैं योगा के बाद कोई आपको uh, अपने मसल में बहुत ज़्यादा शिवरिंग फील हो रही है स्ट्रेंथ देनी अपने जॉइंट्स को स्ट्रेंथ देनी है अपने नी जॉइंट्स को स्ट्रेंथ देनी है तो उसके लिए आप ये जो पर्टिकुलर एसेंशियल ऑयल है इसको यूज़ कर सकते हो और लास्ट एसेंशियल ऑयल है मैलेलू का ईजी शब्दों में टी ट्री एसेंशियल ऑयल है ये ठीक है तो टी ट्री का वैसे भी हमें पता है स्किन के लिए बेस्ट अगर कोई चीज़ है तो वो टी ट्री है ठीक है एक्ने से रिलीफ मिलेगा हाइपर पिगमेंटेशन से रिलीफ मिलेगा हर टाइप की स्किन प्रॉब्लम से रिलीफ मिलेगा आ, उसके साथ में ईयर्स और नेल्स की अगर कोई प्रॉब्लम है कान बंद रहते हैं या फिर कानों में वैक्स अजीब सी हो जाती है या फिर कुछ इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए ऑल्सो दिस इज़ वेरी इफेक्टिव टूल ठीक है नेल्स की अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्रिटल नेल्स हैं आपके ठीक है बहुत कह लो कि टूट जाते हैं अचानक से ज़रा सा बड़ा होता है तो टूट जाता है नेल जैसे गर्ल्स को मोनली मेनली प्रॉब्लम आती है कि मेरा नेल इतना आ, नहीं अच्छे से Uh, मतलब बढ़ पाता तो उसके लिए भी ये बेस्ट एसेंशियल ऑयल है तो ये हैं जो एक पूरी की पूरी फैमिली एसेंशियल किट बनाई है जैसे आप देख रहे हो सब कुछ ही इन्होंने इसमें ऐड कर दिया मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी है जो इस किट में ऐड ना हो एंड इस किट की प्राइस इतनी मतलब कह लो जिसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव है ना प्राइस इन्होंने इतनी लो रखी हुई है इसकी कि ऑलमोस्ट एनी वन कैन अफोर्ड ये किट तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा कौन सा एसेंशियल ऑयल लेना है कौन सा नहीं लेना देन ये एसेंशियल ऑयल की जो किट है ये आप लेने के बारे में सोच सकते हैं अगर कुछ भी पर्टिकुलरली नहीं समझ आ रहा है वेबसाइट पे जाके तो ठीक है तो ये आपकी पूरी फैमिली के लिए एक पूरा पैक बना के उन्होंने आपके सामने रख दिया है दैट दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन गो फॉर एनी टाइम तो यही चीज़ आज हमने डिस्कस करनी थी अगली वीडियो में और एसेंशियल ऑयल्स के बारे में बातें करेंगे और एसेंशियल ऑयल्स के बेनिफिट बताएंगे तब तक टेक केयर बाय बाय